हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशस्त जैन, सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स, CLC, सीकर. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर फर्स्ट JEE एडवांस 2020. ओके, लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर वन. इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020, जिसके रूट्स ए एंड बी है. एन अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020, जिसके रूट्स सी और डी है. ए और ए बी सी और डी में हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है. तो देखिए स्टूडेंट, अगर इस इक्वेशन के रूट्स ए और बी हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 20 एंड ए इंटू बी इक्वल्स टू माइनस 2020. सिमिलरली अगर इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास सी और डी है, सो वी कैन राइट दैट सी प्लस डी इक्वल्स टू प्लस 20 एंड सी इंटू डी इक्वल्स टू 2020. तो ये चार रिलेशन स्टूडेंट हम लोगों को मिल जाते हैं. अब देखिए, हम लोगों को जो एक्सप्रेशन निकालना है, हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं. सो दैट इज ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर. नाउ वी विल ट्राई टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन इन सच ए वे दैट फ्रॉम दिस डेटा वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ओके, सो देखिए स्टूडेंट, ये ए स्क्वायर सी और ये हमारे पास में हम लोग लेंगे ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर डी. अगर इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को मैं कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में आएगा स्टूडेंट सी प्लस डी. सी प्लस डी को हम लोग लिख देते हैं 20, सो ए स्क्वायर इंटू 20. सिमिलरली स्टूडेंट देखिए, माइनस ए डी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर, अगर मैं यहां पर माइनस में डी स्क्वायर कॉमन लेता हूं, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, तो इसमें ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी. ए प्लस बी को हम लिख देंगे माइनस 20, सो दिस इज प्लस इंटू 20. उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, माइनस में ए सी स्क्वायर और माइनस में बी सी स्क्वायर, इन दोनों में माइनस सी स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया ए प्लस बी विच इज अगेन माइनस 20. उसके बाद में स्टूडेंट हम लोगों के पास में एक्सप्रेशन बचता है बी स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर डी. इसमें हम लोगों ने बी स्क्वायर को कॉमन लिया, सो वी गेट सी प्लस डी इन ब्रैकेट, सी प्लस डी इज 20. So we will take 20 as common and bracket we are getting a square plus b square plus c square plus d square. Now a square plus b square को हम लोग लिख देते हैं a plus b whole square minus 2ab. Similarly c square plus d square को भी लिख देते हैं c plus d whole square minus 2cd. Correct? Now we know value of all these four expression. So we will just put these values. A plus B is 20. Sorry, minus 20. Minus 20 square करेंगे. तो 400. A into B is minus 2020 multiplied by minus 2. तो this plus 4040. Again C plus D square 400. और C into D this is minus 4040. ये 4040, ये 4040 cancel होगा. 800 into 20. So we are getting 16,000, which is option number 4th. Okay, next question पे बढ़ते हैं. Question number 2. Question number 2 में देखिए स्टूडेंट, हमें एक फंक्शन दे रखा है. फंक्शन R से R में डिफाइंड है. वी हैव टू फाइंड वेदर दिस फंक्शन इज 1-1 और मैनी 1 एंड ऑन टू और इन टू. सो ओके, स्टार्ट करते हैं. देखिए, अगर इस फंक्शन में हम लोगों को एक मॉडुलस x दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं x को 0 या 0 से बढ़ा लूंगा तो इस मॉड एक्स को हम प्लस एक्स लिखेंगे. उस केस में स्टूडेंट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स. एंड इफ आई टेक एक्स एज नेगेटिव, सो दिस मॉडुलस एक्स शुड बी राइट माइनस एक्स. सो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स. ओके, दिस इज फंक्शन इन सिंप्लीफाइड फॉर्मेट. नाउ स्टूडेंट, अगर मैं यहां पर फंक्शन की इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव पर रेंज के बारे में बात करूं,
So limit fx x tending infinitive, this will be limit x tending infinitive. इस ऊपर वाले पोर्शन से हमें इन्फिनिटिव पर आंसर निकालना होगा स्टूडेंट. इन दोनों में मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, सो इट विल बी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स. नाउ एक्स अगर इन्फिनिटिव होगा तो ये इन्फिनिटिव मूव करेगा, और साइन एक्स अपॉन एक्स जो होगा स्टूडेंट वो जीरो की तरफ मूव करेगा. एक्स अगर इन्फिनिटिव रखेंगे तो नीचे इन्फिनिटिव, ऊपर माइनस वन टू वन, तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटिव, सो दिस इज इन्फिनिटिव. सिमिलरली स्टूडेंट, जब हम लोग इस फंक्शन में माइनस इन्फिनिटिव पर फंक्शन की लिमिट निकालेंगे तो वो नीचे वाले पोर्शन से निकाली जाएगी. तो उसमें स्टूडेंट हम लोगों ने माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, सो इट विल बी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स. अगेन दिस साइन एक्स अपॉन एक्स विल बी जीरो एट एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव, सो दिस ब्रैकेट इज 1 एंड ये हो गया माइनस इन्फिनिटिव. अल्टीमेटली इट इज माइनस इन्फिनिटिव. नाउ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जैसा हमें जीरो पे नजर आ रहा है यहां और यहां से, यानी राइट और लेफ्ट लिमिट जीरो पर फंक्शन की इक्वल है, एंड बचे हुए सब जगह पे फंक्शन एक सिंपल एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन है विच आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. सो दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस. नाउ ये कंटिन्यूअस है और इसकी हम लोगों को इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव पर वैल्यूज इनफाइनाइट और माइनस इन्फिनिटिव जाते हुए मिल रही है. इसका मतलब यह है स्टूडेंट, अगर मैं इसमें आपको इस फंक्शन की रेंज बोलूं तो वो रेंज हमारे पास में आर आने वाली है विच इज इक्वल टू कोडोमेन, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू. तो हम लोगों को ये पता लग गया इस पूरी बात से कि ये फंक्शन ऑन टू है. नाउ वन वन और मैनी वन के लिए हम लोग डिसीजन लेते हैं. तो वन वन और मैनी वन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना होगा. अब देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को वन वन और मैनी वन में से डिसीजन लेना है. तो जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है तब मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देख रहा हूं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है. सो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बी 2x माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स. सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज x माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कॉमन 1 माइनस कॉस एक्स. एज वी नो कि जब x पॉजिटिव होता है तो x साइन एक्स से बड़ा होता है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट पॉजिटिव है और 1 माइनस कॉस इट कॉस एक्स भी पॉजिटिव है, और x को तो हम लोग ऑलरेडी पॉजिटिव मानते हुए चल ही रहे हैं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमारे पास में पॉजिटिव है. तो जीरो से आगे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दैट मीन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इन जीरो टू इन्फिनिटिव. जीरो से इन्फिनिटिव तक स्टूडेंट फंक्शन लगातार इंक्रीज करेगा, यानी कि दो अलग अलग एक्स की वैल्यूज पर हमेशा वाई की वैल्यू हमें डिफरेंट मिलेगी. बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम लोग एक्स को नेगेटिव लेने पर और उस वाले पोर्शन से फंक्शन के बारे में पता करेंगे कि वहां पर फंक्शन हमारे पास में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो देखिए उसमें हमें क्या मिलेगा. जब हम लोग एक्स को नेगेटिव लेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए एफ एक्स हमारे पास इसमें और इसमें केवल एक माइनस का फर्क है, तो जस्ट इसका नेगेटिव पोर्शन हमें मिलेगा. तो एफ डैश एक्स हम लोगों को मिलेगा स्टूडेंट साइन एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स. इस तरह का फंक्शन हम लोगों को मिलने वाला है. अब इसमें देखिए स्टूडेंट, जब एक्स हमारे पास में जीरो से छोटा होता है तो उस समय साइन एक्स हमेशा एक्स से बड़ा होता है, तो ये पोर्शन हमेशा पॉजिटिव होगा जब एक्स को मैं नेगेटिव लूंगा. एक्स नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव साइन, तो विथ नेगेटिव साइन दिस बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो अगेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटिव टू जीरो. दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, दैट इज इन कंप्लीट रियल नंबर सेट. तो चूंकि ये फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो दो अलग अलग एक्स की वैल्यू पर हमेशा वाई की वैल्यू हमें अलग अलग मिलेगी, सो वी कैन से द फंक्शन इज वन वन.
So we have got function is 1 1 and function is on 2. So option number C will be correct. Okay, chalte hain next question pe. Question number third mein dekhiye student, hum logon ko do functions diye gaye hain. इन दोनों फंक्शंस और x इक्वल टू जीरो दैट इज y एक्सिस से बाउंड एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो पहले तो स्टूडेंट मैं इस फंक्शन एफ एक्स को सिंप्लीफाई करता हूं. देखिए अगर मैं स्टूडेंट x को नेगेटिव लूंगा या x को मैं 1 से छोटा लूंगा तो स्टूडेंट यहां पर ये खुलेगा विथ नेगेटिव साइन. सो माइनस माइनस प्लस इट बिकम्स e to the power x minus 1. तो x को 1 से छोटा लेने पर ये 0 बनेगा और जब मैं स्टूडेंट x को 1 से बड़ा लूंगा तो ये फंक्शन बनेगा e to the power x minus 1 minus e to the power ये खुलेगा x minus 1 तो it will become e to the power 1 minus x. ठीक है, इस तरह से ये हम लोगों को फंक्शन हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे. इसके बाद में स्टूडेंट देखिए अगर मैं gx की बात करूं तो gx हम लोगों को e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस x अपॉन 2 नजर आ ही रहा है. हमें पता है कि दोनों फंक्शन से बाउंड एरिया और y एक्सिस से बाउंड एरिया निकालने के लिए हमें दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा. तो gx और fx का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं इन दोनों fx इक्वल टू gx करके उस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा. तो ये तो हमें साफ तौर पे नजर आ रहा है स्टूडेंट कि ये हमारे पास में कभी भी जीरो नहीं बनेगा क्योंकि e की पावर x माइनस 1 और e की पावर 1 माइनस x बोथ आर पॉजिटिव. सो gx विल नेवर बी जीरो और नेगेटिव. तो fx जब जीरो के बराबर है तब तो gx कभी भी उसको कट नहीं करेगा. तो ये पोर्शन काम का है. तो e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस x इक्वल टू 1/2 e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस e टू दी पावर 1 माइनस एक्स. यहां से हमें स्टूडेंट x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा. तो अब देखिए स्टूडेंट ये बन जाता है हम लोगों के पास में 1/2 e टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 3/2 e टू दी पावर 1 माइनस एक्स. ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे e अपॉन e टू दी पावर x और इसे e टू दी पावर x अपॉन e. सो दिस बिकम्स e टू दी पावर 2x इक्वल्स टू 3e और ये 1 अपॉन ई तो ये उधर गया तो 3e स्क्वायर. सो e टू दी पावर x इक्वल टू रूट 3e. सो x इक्वल्स टू log रूट 3e. ठीक है, ये हमारे पास में स्टूडेंट इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट हमें मिलता है. अब देखिए आगे की बात करते हैं. तो अब अगर मैं इन दोनों कर्व्स को ड्रॉ करूं तो देखिए स्टूडेंट जो पहला कर्व है हम लोगों के पास में वो x इक्वल टू 1 से जस्ट पहले की तरफ हमारे पास में 0 है. तो ये इस तरह से 1, 0 से पहले x एक्सिस से ओवरलैप करेगा. उसके बाद में ये लगातार x को 1 से जब मैं बड़ा लूंगा तो ओबियसली स्टूडेंट ये बड़ा होगा ये छोटा होगा. तो ये एक हमारे पास में इस तरह से कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें मिलता चला जाएगा. जब जी एक्स कर्व को मैं ड्रॉ करूंगा आप इसको डिफरेंशिएट करके इनकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर को भी चेक कर सकते हैं जिससे आपको सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प मिले. बट इसको जब अपन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार का होगा और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट है विच इज लॉग रूट 3e और वाई कोऑर्डिनेट की अगर हमें जरूरत होगी तो हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे. लेट अस से दिस इज पॉइंट पी. नाउ हम लोगों को स्टूडेंट ये वाला एरिया एक तरह से फाइंड आउट करना है इन दोनों कर्व और वाई एक्सिस से बाउंड एरिया. अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं लेट अस से इट इज क्यू. सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और ये जी एक्स पर है. इसमें जी एक्स में अगर मैं एक्स को 0 रखता हूं सो वी गेट ई टू दी पावर माइनस 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज ई प्लस ई इनवर्स डिवाइड बाई 2. ठीक, ये हमारे पास में इसका वाई कोऑर्डिनेट है. तो अब देखिए स्टूडेंट इस एरिया को हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से किस तरह से निकाल सकते हैं. इस एरिया को स्टूडेंट हम लोग दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं. एक हमारे पास में इस तरह का पोर्शन है जिसे हम लोग A1 नाम देते हैं और एक इधर वाला पोर्शन है. ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है 1, 0 पर. लेट अस से दिस इज पॉइंट R. तो एक तो स्टूडेंट हम लोगों के पास में एरिया
ओ, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस से एस, ओ एस आर क्यू ओ, ये वाला एरिया विच इज शेडेड बाई ए वन, एंड द अनादर एरिया इज एस पी आर एस, जो कि ए टू से मैंने लिखा है. तो इन दोनों एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा. नाउ ये जो ए वन है उस एरिया को निकालने के लिए देखिए, इसमें अपर कर्व है हम लोगों के पास में स्टूडेंट, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस ई टू दी पावर वन माइनस एक्स अपॉन टू, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा फ्रॉम जीरो टू वन, इससे हम लोगों को ए वन एरिया मिलेगा. फिर इस वाले पोर्शन की बात करें तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का इंटीग्रेशन. तो अपर कर्व इसमें है स्टूडेंट ए टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस ई टू द पावर वन माइनस एक्स अपॉन टू, और लोअर कर्व इसमें है स्टूडेंट हम लोगों के पास में एफ एक्स विच इज ई टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर वन माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू लॉग रूट थ्री. आप देखिए स्टूडेंट, इसमें इंटीग्रेशन हमें केवल सिंपल से e की पावर x के कर रहे हैं. e की पावर x का इंटीग्रेशन आप सभी लोग बिल्कुल सिंपल सा जानते हैं कि वो e की पावर x ही होता है, और उसके बाद हम लोगों को लिमिट अप्लाई कर देनी है. तो आगे केवल कैलकुलेशन है. जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये एरिया हम लोगों को मिलेगा स्टूडेंट टू माइनस रूट थ्री प्लस वन बाई टू इंटू ई माइनस ई इनवर्स, जो कि हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को एक पैराबोला और एक एलिप्स दे रखा है, और ये कहा है कि पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के किसी एक एंड पॉइंट पर जब हम लोग टेंजेंट खींचते हैं पैराबोला और एलिप्स दोनों की, तो वो दोनों हमारे पास में परपेंडिकुलर होती हैं, देन वी हैव टू फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर लैम्डा एक्स, इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के दो एंड पॉइंट होते हैं स्टूडेंट. एक होता है हमारे पास लैम्डा कॉमा टू लैम्डा, और दूसरा होता है लैम्डा कॉमा माइनस टू लैम्डा. हम कोई सा भी पॉइंट पी सपोज करके चल सकते हैं. तो लेट अस से कि पॉइंट पी हमारे पास में लैम्डा कॉमा टू लैम्डा है, ठीक है. तो इस पॉइंट पर हम दोनों कर्व की टेंजेंट्स का स्लोप निकाल देते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा. नाउ स्लोप आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, और आप उसे कैलकुलस अप्रोच से भी निकाल सकते हैं. ये आपकी चॉइस है कि आप उसे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. मैं अगर पूरी तरह से कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन को करना चाहूं तो देखिए, पी पॉइंट पर स्टूडेंट टेंजेंट की जो पैराबोला की जो टेंजेंट होगी पी पॉइंट पर, वो होगी वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन टू लैम्डा, टू एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन. टू लैम्डा और टू लैम्डा कैंसिल, वाई इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा. तो इसका स्लोप तो हमें ओरल दिख रहा है स्टूडेंट, इसका स्लोप वन है. फिर हम लोगों ने एलिप्स पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, y स्क्वायर की जगह वाई वाई वन. अगर इसके स्लोप की बात करें तो ये है स्लोप स्टूडेंट माइनस लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू लैम्डा अपॉन बी स्क्वायर, विच इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दीज टू टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो एम वन इंटू एम टू इक्वल्स टू माइनस वन. तो यहां से स्टूडेंट हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर. यहां से हमें ये रिजल्ट तो मिल रहा है, साथ में ये भी पता लग रहा है स्टूडेंट कि इसमें बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बढ़ी है. सो दिस इज वर्टिकल एलिप्स, यानी इसमें मेजर एक्सिस का काम एक्स एक्सिस करेगी और माइनर एक्सिस का काम वाई एक्सिस करेगी. तो अकॉर्डिंगली हम सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो आप देखिए स्टूडेंट, अब देखिए, अगर वर्टिकल एलिप्स है तो वर्टिकल एलिप्स में सेंट्रिसिटी का रिलेशन होगा हम लोगों के पास में ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर. नाउ बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर, तो ये हो जाता है वन इक्वल्स टू बी स्क्वायर को मैं लिखूंगा टू ए स्क्वायर, तो वन इक्वल टू टू इंटू वन माइनस ई स्क्वायर. वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू, ई स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू, सो ई इक्वल्स टू वन बाई रूट टू. यानी सिलिप्स की सेंट्रिसिटी वन अपॉन रूट टू होगी, विच इज ऑप्शन नंबर ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हम लोगों को ये कहा है कि सी वन और सी टू दो बायस्ड कॉइंस हैं,
जिनमें जिनको टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटीज 2/3 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली है. नाउ अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C1 इज टॉस्ड ट्वाइस एंड बीटा इज द नंबर ऑफ हेड्स विच अपीयर व्हेन C2 इज टॉस्ड ट्वाइस इंडिपेंडेंटली. यानी C1 कॉइन को उछालने पर हेड कितने आते हैं उसे अल्फा से रिप्रेजेंट किया है और C2 कॉइन को दो बार उछालने पर हेड कितने आते हैं उसे बीटा से रिप्रेजेंट किया. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर रियल एंड इक्वल. देखिए इस इक्वेशन के रूट रियल एंड इक्वल तब होंगे स्टूडेंट जब डी इक्वल टू जीरो होगा, यानी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा होगा. तो अल्फा और बीटा में एक रिलेशन एक तरह से हमें इनडायरेक्टली दिया है, ये हम लोगों को चेक करना है. अब स्टूडेंट यहां पर आप सोचिए कि हम दो बार उछाल रहे हैं तो दो बार में से कितनी बार हेड आता है उसको हम अल्फा या बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अल्फा और बीटा दोनों की जो वैल्यू है वो 0, 1 और 2 हो सकती है. दो बार उछालने पर या तो 0 बार हेड आ सकता है या 1 बार हेड आ सकता है या 2 बार हेड आ सकता है. सो अल्फा एंड बीटा बोथ कैन बी 0, 1 और 2. तो हम यहां पर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं जिस पर कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए. तो पहला कॉम्बिनेशन तो स्टूडेंट ये हो सकता है कि अल्फा और बीटा को हम लोग 0 एंड 0 लें, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. और दूसरा कॉम्बिनेशन स्टूडेंट हम लोगों के पास में ये हो सकता है कि हम लोग बीटा को तो लें 1 और अल्फा को लें 2. अल्फा को 2 ले लें और बीटा को 1 ले लें, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है. तो इन दो के अलावा हमें कोई कॉम्बिनेशन यहां पर नहीं देखना है. अब देखिए स्टूडेंट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं. तो पहला केस लेते हैं 0, 0, दैट मींस कि हम C1 और C2 दोनों कॉइन को उछालेंगे तो हमें एक भी बार हेड नहीं मिलेगा. तो हमको हमने जब C1 कॉइन को उछाला तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो टेल की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3. इसमें हमें दोनों बार स्टूडेंट टेल मिलना चाहिए. तो दो में से मैंने 0 बार सेलेक्ट किया, 2/3 की पावर 0 यानी हेड नहीं मिलेगा और 2 बार हम लोगों को टेल मिलेगा, ठीक है. इनटू सेकंड कॉइन को छाला तो उसमें हम लोगों को फिर से मैंने 2 में से 0 ट्रायल को सिलेक्ट किया जिस पर हम लोगों को हेड मिलेगा. उसमें हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट 1/3 है, तो 1/3 की पावर 0 और उसमें टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो 2/3 की पावर 2. नाउ 2, 1 इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब है कि C1 कॉइन को छालने पे दोनों बार हमें हेड मिले तो 2C2 2/3 की पावर 2 और 1 का मतलब है स्टूडेंट कि दूसरे कॉइन को छालने पर उसमें एक बार हमें हेड मिले एक बार टेल मिले, तो 2C1 इंटू 2/3 इंटू 1/3. नाउ इसको अगर हम लोग स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट तो ये देखिए आता है यहां पर हमारे पास में ये बन जाता है 1/9 इंटू ये हमारे पास में था स्टूडेंट 2C0 तो 1 और ये हो जाता है 4/9 प्लस यहां हो जाता है स्टूडेंट 4/9 इंटू 4/9. सो दिस इज 81, ऊपर 16 + 4 = 20 आएगा. सो आंसर इज 20/81, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट उसमें हम लोगों को देखिए कहा है कि एक सेट है XY belongs to R cross R, X 0 से π/2 है और Y 0 से लेके 2 sin 2x के बीच में है. एंड हैविंग तो एक रेक्टेंग एक रीजन हम लोगों को रिप्रेजेंट किया है और उस रीजन को इस तरह से एक सेट से रिप्रेजेंट किया गया है. तो इस रीजन को अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझाऊँ कि इस रीजन का मतलब क्या है. देखिए वाई इक्वल टू 2 sin 2x का ग्राफ अगर बनाए जिसमें एक्स 0 से π/2 है तो वो स्टूडेंट हम लोगों के पास में इस तरह से होगा. देखिए साइन एक्स के ग्राफ में यहाँ पर एक्स इक्वल टू पाई होता है तो यहाँ पर साइन 2x में 2x की वैल्यू π/2 है तो x यहां पर स्टूडेंट हम लोगों के 2x की वैल्यू यहां पाई है तो x की वैल्यू यहां π/2 है. ये मैंने y इक्वल टू साइन 2 sin 2x का ग्राफ बनाया है तो ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है स्टूडेंट ये हमारे पास 2 पर है और ये हमारे पास में इसका मिडिल पॉइंट है जो कि π/4 पर होगा, ठीक है. अब इसका इस पूरे का मतलब यही है स्टूडेंट कि x को मुझे 0 से π/2 तक लेना है और y को मुझे 0 से लेके 2 sin 2x तक लेना है. y इक्वल टू 0 तो स्टूडेंट x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू अगर मुझे 0 से बड़ी और 2 sin 2x से छोटी लेनी है इसका मतलब हमें इस
ये जो एरिया बन रहा है, ये जो रीजन बन रहा है इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में, वहां पे कहीं हमें इस प्रकार से एक रेक्टेंगल बना देना है, ठीक है। लेट अस से इस रेक्टेंगल का नाम है ए बी सी डी, सी और डी कर्व पर है। अब अगर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो मैक्सिमम है, तो हमें इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, जो हम लोगों के पास लेंथ है, लेट अस से स्टूडेंट की ये हमारे पास अल्फा है, तो ये लेंथ भी हमारे पास अल्फा ही होगी, ठीक है। ये हमारे पास में अल्फा होगी, तो ये हमारे पास में जो अब ये अल्फा, ये अल्फा, तो देखिए स्टूडेंट ये जो लेंथ है हमारे पास ये कितनी बचेगी, ओ से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारे पास पाई बाई फोर थी, जिसमें से ये अल्फा है, तो ये हमारे पास में स्टूडेंट है पाई बाई फोर माइनस अल्फा, ठीक है। और पाई बाई फोर माइनस अल्फा, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट ये है पाई बाई फोर माइनस अल्फा, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट टू साइन टू एक्स, तो पाई बाई टू माइनस टू अल्फा, यानी कि पाई बाय फोर माइनस अल्फा कॉमा टू कॉस टू अल्फा। अब ये जो टू कॉस टू अल्फा स्टूडेंट, ये हमारे पास में बी और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर रही है, और ये जो ए से बी के बीच की डिस्टेंस है ये हमारे पास टू अल्फा है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करूं, उस पेरीमीटर को मैं पी नाम दे दूं, तो पेरीमीटर होगी स्टूडेंट हम लोगों के पास में, देखिए ये टू अल्फा, ये टू अल्फा, तो फोर अल्फा प्लस ये टू कॉस टू अल्फा और ये भी टू कॉस टू अल्फा, तो फोर कॉस टू अल्फा। ये हमारे पास में स्टूडेंट इस पूरे ये जो रेक्टेंगल हम लोगों को दिखाई दे रहा है उसकी पेरीमीटर है। अब इस पेरीमीटर को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, तो मैं इसको विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये आएगा स्टूडेंट फोर माइनस एट साइन टू अल्फा, ठीक है। और इसे स्टूडेंट मैं रख दूंगा जीरो, तो यहां से देखिए साइन टू अल्फा स्टूडेंट मेरे को मिलता है वन बाई टू, तो टू अल्फा, ठीक है, टू अल्फा की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो हमारे पास में होगी एक तो पाई बाई सिक्स, और दूसरी अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों के पास में हो सकती है फाइव पाई बाई सिक्स, यानी अल्फा की वैल्यू हो सकती है पाई बाई ट्वेल्व और 5π/12। ये हम लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू मिली, इनमें से किसी पर हो सकता है पैरामीटर मिनिमम हो और इनमें से किसी एक पर पैरामीटर मैक्सिमम होगी, तो उसको देखने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कर्व को एक बार और, पी को एक बार और विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए इस समय हमको मिलेगा माइनस में 16 साइन 2 अल्फा। तो यहां से क्लियर है स्टूडेंट, अगर मैं इस पी डबल डैश में अल्फा को पाई बाई 12 रखता हूं, देखिए तो यहां पर बनेगा 2 इंटू पाई बाई 12, यानी पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 पॉजिटिव होगा, यहां एक नेगेटिव साइन है तो ये पूरा नेगेटिव होगा, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू पाई बाई 12 पर स्टूडेंट इस पैरामीटर की मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को मिलने वाली है। तो हम पाई बाई 12 पर इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया हमसे पूछा था, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 12 पर हम लोग एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट एरिया निकालने के लिए हम लोग इसका एरिया बोल सकते हैं 2 अल्फा इंटू 2 कॉस 2 अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट 4, और अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास में पाई बाई 12, और कॉस 2 इंटू पाई बाई 12 यानी कॉस पाई बाई 6, और कॉस पाई बाई 6 हो गया रूट 3 बाई 2, तो ये हमारे पास में हुआ स्टूडेंट, देखिए ये हो गया आएगा रूट 3 पाई डिवाइडेड बाई 6, रूट 3 पाई अपॉन 6, इसे चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 रूट 3, तो ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th में देखिए स्टूडेंट हम लोगों को एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और एक जी एक्स फंक्शन आर्बिट्रेरी फंक्शन है, जी एफ और जी दोनों आर से आर में डिफाइंड है, और एफ और जी का जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो भी डिफाइन किया गया है आर से आर में, तो कुछ बातें हम लोगों से पूछी गई है एफ एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन के बारे में। देखिए स्टूडेंट यहां पर एक बात ये देखने की वाली है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है
ये हमारे पास में है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स. दिस इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, एवरीवेयर डिफरेंशियबल. और इसमें एफ जीरो की जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो हम सॉरी एफ वन की जो वैल्यू है वो हम लोगों को जीरो मिलने वाली है. इसमें एक्स को अगर मैं वन रखूंगा तो ये हम लोगों को जीरो वैल्यू देने वाला है. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को जैसे एक एक करके हम ऑप्शंस को चेक करें तो ए ऑप्शन में हमें ये कह रखा है कि अगर जी कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू वन पर तो एफ इंटू जी जो है वो एक्स इक्वल टू वन पर डिफरेंशियबल होगा, ये हम लोगों को चेक करना है. तो अगर स्टूडेंट जी ए ऑप्शन में अगर फंक्शन जी एक्स इक्वल टू वन पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब जी की वन पर राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ये तीनों बराबर हैं, ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है. अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, मैं फंक्शन एच एक्स सपोज कर रहा हूं एफ एक्स इंटू जी एक्स. इस फंक्शन को हम एच एक्स नाम दे देते हैं और मैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी को टेस्ट करूंगा एक्स इक्वल टू वन पर, क्योंकि यही हमें ऑप्शन नंबर ए में टेस्ट करनी है. तो स्टूडेंट अगर मैं एच डैश वन पॉजिटिव निकालता हूं तो इट विल बी लिमिट एच टेंडिंग जीरो एच ऑफ वन प्लस एच इंटू एच ऑफ वन प्लस एच आएगा. एच ऑफ वन प्लस एच को लिख सकते हैं एफ ऑफ वन प्लस एच इंटू जी ऑफ वन प्लस एच माइनस एच ऑफ वन. एच ऑफ वन होगा स्टूडेंट एफ वन इंटू जी वन. नाउ एफ वन इज जीरो एंड जी वन इज ऑल्सो डिफाइंड, सो दिस इज जीरो डिवाइडेड बाय एच. नाउ जी ऑफ वन प्लस एच का मतलब स्टूडेंट जी ऑफ वन के बराबर होगा, क्योंकि ये फंक्शन जी वन पर कंटिन्यूअस है. सो जी ऑफ वन प्लस एच इज इक्वल टू जी ऑफ वन. तो मैं इसको बाहर ला देता हूं इंटू लिमिट एच टेंडिंग जीरो एफ वन प्लस एच अपॉन एच. तो एफ ऑफ वन जीरो है स्टूडेंट, तो देखिए ये जीरो बाई जीरो है तो इसमें लॉपिटल लगा सकता हूं. डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश वन प्लस एच अपॉन वन आएगा और उसमें एच को जीरो रखेंगे तो दिस इज एफ डैश वन. सो दिस इज जी वन इंटू एफ डैश वन विच इज परफेक्टली डिफाइंड, यानी इसकी कोई प्योरली वैल्यू हमें मिलने वाली है. सिमिलरली जब हम लोग एच डैश वन नेगेटिव निकालेंगे स्टूडेंट तो वहां पर बस इसमें एक माइनस का फर्क आएगा, ये यहाँ एक माइनस आएगा, यहाँ एक माइनस आएगा, नीचे एक माइनस आ जाएगा. तो वो जी ओ वन माइनस एच को भी मैं जी ओ वन लिख दूंगा क्योंकि जी वन की वो लेफ्ट हैंड लिमिट है. और एफ वन माइनस एच अपॉन एच को भी इसी तरीके से एफ डैश वन बोल सकते हैं. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू वन विल ऑल्सो भी इक्वल टू जी ओ वन इंटू एफ डैश वन. तो इसका मतलब स्टूडेंट एच डैश वन पॉजिटिव और एच डैश वन नेगेटिव आर गोइंग टू बी इक्वल. सो फंक्शन एच एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन, दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन. सो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट ऑप्शन. फिर अब बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे के ऑप्शंस पर. तो आप अगर चेक करेंगे स्टूडेंट यहां पे तो बी ऑप्शन इसी तरह से जाएंगे तो वो गलत मिलेगा, डी ऑप्शन भी आपको जाएंगे तो गलत मिलेगा. तो मैं सी ऑप्शन की बात कर रहा हूं आप साथ सीधे. सी में ये कहा गया है स्टूडेंट कि जी अगर एक्स इक्वल टू वन पर डिफरेंशियबल है तो एफ इंटू जी भी एक्स इक्वल टू वन पर डिफरेंशियबल होगा. देखिए इसके लिए तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, हम जानते हैं स्टूडेंट कि अगर दो फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबल होता है तो उनका प्रोडक्ट फंक्शन भी एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबल होता है. देखिए एफ तो स्टूडेंट पॉलिनोमियल और फंक्शन है, साथ पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन है. सो दिस इज एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड एवरीवेयर डिफरेंशियबल. और हमें ऑप्शन नंबर सी में बोल दिया कि जी भी एक्स इक्वल टू वन पर डिफरेंशियबल है, तो एक्स इक्वल टू वन पर एफ भी डिफरेंशियबल है और जी भी डिफरेंशियबल है तो उनका प्रोडक्ट फंक्शन भी डिफरेंशियबल होगा. इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सो वी कैन से डायरेक्टली ओके. सो ए एंड सी आर आंसर्स. क्वेश्चन नंबर एट. क्वेश्चन नंबर एट में देखिए स्टूडेंट हम लोगों को एम एक मैट्रिक्स दे रखी है थर्ड ऑर्डर की और आई जो है वो भी हम लोगों के पास में थर्ड ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. एम इनवर्स एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ एम के बराबर है तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट क्या है, हम लोगों को ये एक रिजल्ट दिया गया है तो हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं. दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो दोनों मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो भी स्टूडेंट आपस में इक्वल होगी. करेक्ट. नाउ दिस इज डिटर्मिनेंट एम एम इनवर्स और ये एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इससे आप लोग वो प्रॉपर्टी जानते होंगे कि इसका मतलब होगा डिटर्मिनेंट एम की पावर एन माइनस टू, एन इज ऑर्डर विच इज थ्री, इंटू डिटर्मिनेंट एम की पावर एन माइनस वन होल स्क्वायर. तो थ्री माइनस वन टू का स्क्वायर तो फोर. तो यहां से स्टूडेंट डिटर्मिनेंट एम की पावर फाइव आती है वन, तो वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट एम इक्वल्स टू वन. एक रिजल्ट तो स्टूडेंट हम लोगों को ये मिला
जिससे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, वापस से इक्वेशन नंबर वन को हम लोग किस तरह से यूज करेंगे। एम इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम, इसकी भी डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ एम को डिटर्मिनेट एम की पावर एन माइनस टू, दैट इज थ्री माइनस टू इन टू मैट्रिक्स एम। ओके, ये एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर मैंने लिखा है। सो एम इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेट एम इज वन इक्वल टू एम, तो यहां से स्टूडेंट आता है एम स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ अब एक फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि एम इनवर्स को लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ एम, और डिटर्मिनेट ऑफ एम यहां पर वन है, तो एम इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट एम। तो ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट, एम स्क्वायर आई के बराबर था, और एम यहां से मतलब एम इनवर्स जो है वो एडजॉइंट एम के बराबर आया, ये हम लोगों को एक रिजल्ट मिला है। तो एम स्क्वायर अगर आई के बराबर है स्टूडेंट, तो एम इनवर्स भी, एम इनवर्स का जो स्क्वायर है वो भी हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ये भी मैं कह सकता हूं। तो एम इनवर्स की जगह मैं एडजॉइंट ऑफ एम भी लिख सकता हूं, तो एडजॉइंट एम मैट्रिक्स का स्क्वायर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो आप ऐसे समझिए मैंने दोनों तरफ इनवर्स ले लिया, तो एम स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स और आई मैट्रिक्स का इनवर्स, आई मैट्रिक्स का इनवर्स तो आई होगा, और एम स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन का मॉडुलस वन इस तरह का एक रिजल्ट दे रखा है, और काफी सारी बातें पूछी है, तो हम इसे स्टूडेंट ट्रायंगल इनइक्वालिटी से इजीली कर सकते हैं। देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड वन एंड जेड टू इज लेस देन मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। ठीक है, तो मैं यहां पर स्टूडेंट जेड वन को क्या लिख रहा हूं, जेड प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर, एंड जेड टू को स्टूडेंट मैं यहां पर रख रहा हूं 3/4। देखिए इससे क्या फायदा होगा, यहां पर स्टूडेंट बनेगा हमारे पास में जेड प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर प्लस 3/4, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/4 प्लस 3/4, और यहां बन जाएगा स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। सो नाउ दिस इज जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 विच इज 1। तो यहां पर रिजल्ट मिला हम लोगों को कि मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मॉड जेड प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/4, तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। वी कैन इजीली से दिस विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। तो एक ऑप्शन तो यहां से मिला, अब बचा हुआ ऑप्शन हम लोग किस तरह से देखेंगे वो देखिएगा। वापस से ट्रायंगल इनइक्वालिटी को ही यूज कर रहा हूं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी से देखिए स्टूडेंट, हम लोग ये बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस मॉडुलस ऑफ जेड टू इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू। ठीक है, मॉडुलस जो हमारे पास में ट्रायंगल इनइक्वालिटी है उसी का एक हिस्सा ये भी होता है हमारे पास में। तो इसमें स्टूडेंट मैं जेड वन को रख रहा हूं जेड स्क्वायर प्लस जेड, और जेड टू को रख रहा हूं वन। तो देखिए ये तो हो गया स्टूडेंट हमारे पास में जेड स्क्वायर प्लस जेड का मॉडुलस माइनस वन का मॉडुलस, और ये इधर बनेगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन विच इज अगेन वन। अब ये अंदर की तरफ स्टूडेंट यहां पे एक रियल नंबर है, इस मॉड के अंदर पूरा एक रियल नंबर है, तो मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वन, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस जेड मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू टू। नाउ एक बात समझिएगा स्टूडेंट कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड, इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू, वी कैन से मॉडुलस ऑफ, वी कैन से दैट दिस विल बी मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड। ये मैंने इसी ट्राइंगल इनइक्वालिटी से लिखा है स्टूडेंट, इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी में आप ऐसे समझ लीजिए मैंने जेड वन को रख दिया जेड स्क्वायर और जेड टू को रख दिया जेड, तो इधर तो बनेगा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड, और यहां बनेगा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड। इसी ट्रायंगल इनइक्वालिटी में
Z1 को मॉडुलस Z का स्क्वायर और Z2 को Z रख के मिला है। तो यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं ना, उसको आप समझिएगा स्टूडेंट, कि देखिए अब यहां पर स्टूडेंट हम लोगों को यह पता लग रहा है कि ये जो क्वांटिटी है, मतलब ये देखिए इस मॉडुलस के अंदर एक रियल नंबर है मॉडुलस जेड स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड, और ये भी एक हमारे पास में मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड, इस तरह का एक रिजल्ट हम लोगों को यहां पे मिल रहा है। तो अब इससे भी छोटा नंबर क्या है, ये जो नंबर है स्टूडेंट ये इस नंबर से बड़ा है, ये जो नंबर है ये इस नंबर से बड़ा है। तो अगर ये हमारे पास में दो से छोटा, देखिए मैं इसको एक्सपेंड करके फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइंड करके क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड करके हम लोग ये लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो मैं इस बीच वाले पोर्शन को अगर छोड़ दूं तो मॉडुलस जेड स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 2 बोल सकते हैं, तो यहां से ये भी बोल सकते हैं कि मॉडुलस जेड स्क्वायर माइनस मॉडुलस जेड इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इस 2 को हम लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, आप बिल्कुल सिंपल से क्वाड्रेटिक के तरीके से फैक्टर हो रहे हैं, मॉडुलस जेड माइनस 2 इंटू मॉडुलस जेड प्लस 1, इस तरह से हम लोगों के पास में यहां पर फैक्टर हो रहे हैं लेस देन इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो इसी को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो मॉडुलस जेड माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज मॉडुलस जेड इज लेस देन इक्वल टू 2 विच इज ऑप्शन नंबर बी। सो बी एंड सी आर करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसमें हमें ये बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड जिसमें अपोजिट साइड्स को स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक रिलेशन हम लोगों को दिया हुआ है, तो इस रिलेशन को हम यूज करते हैं। तो टेन एक्स बाई टू का स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस एक्स, इसी तरह से टेन जेड बाई टू को लिख सकता हूं डेल्टा अपॉन एस एस माइनस जेड 2y, और नीचे जो x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है उसको लिख सकता हूं स्टूडेंट मैं 2s, ये s भी हम लोग कैंसिल कर देते हैं थ्रू आउट और डेल्टा यहां पर कॉमन ले लेते हैं। अब मैं यहां पर स्टूडेंट अगर s माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई एलसीएम लूंगा तो देखिए ऊपर आएगा 2s माइनस एक्स माइनस जेड विच इज इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई, तो ये y और ये y भी कैंसिल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट इस डेल्टा को मैं हीरोज फॉर्मूले से लिख दूंगा s इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू एस माइनस जेड का स्क्वायर रूट, तो कुछ पोर्शन कैंसिल होगा, तो कुल मिला के हमारे पास में यहां पर एक मिनट यहां पर स्टूडेंट जेड है इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, तो कुल मिला के यहां पर बचेगा कितना स्टूडेंट एस इंटू एस माइनस वाई डिवाइडेड बाई एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड इसका रूट इक्वल्स टू व्हाट 1। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट तो दिस इज नथिंग बट कॉट बी बाई टू, ये टेन बी बाई टू का रिवर्स फॉर्मूला है, तो यहां से देखिए बी बाई टू को मैं 45 डिग्री बोल सकता हूं तो बी आ जाता है 90 डिग्री, तो बी स्टूडेंट हमारे पास में 90 डिग्री है तो ओबियसली ए प्लस सी भी 90 डिग्री होगा, तो ए प्लस सी और बी बराबर है, यहां मैंने ए और बी गलती से बोल दिया स्टूडेंट, बी की जगह बोलना चाहिए हम लोगों को वाई, तो ये वाई एंगल है और ये हमारे पास में एक्स और जेड है, तो हमें बोलना चाहिए कि एंगल बी सॉरी एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल एक्स प्लस जेड इक्वल टू अगेन 90 डिग्री, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई, तो एक तो रिलेशन बी सही हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ रिलेशंस को देखते हैं, अब देखिए स्टूडेंट कि अगर हम लोगों को ये रिलेशन मिल चुका है तो अब हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट उसमें बोल रखा है टेन ऑफ एक्स बाई टू इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, इस तरह की बात हम लोगों को दी गई है, तो जो टेन एक्स बाई टू है उसका फॉर्मूला स्टूडेंट हम लोगों को लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस एक्स, और इधर आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास में एक्स अपॉन वाई प्लस जेड,
ये एक रिलेशन हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए हम लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट ये भी पता है कि ये ट्रायंगल 90 डिग्री का ट्रायंगल है और ये एंगल हमारे पास में वाई है, ये एक्स है, ये जेड है, स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स, स्मॉल जेड। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया स्टूडेंट हम लोगों को चेक हो रहा है, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको तो हटा देते हैं यहां से, इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं केवल। तो डेल्टा यानी ट्रायंगल का एरिया उसको स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू एक्स इंटू जेड, ठीक है, ये मैं लिख सकता था। और ये जो स्मॉल एक्स लिखा है इसको मैं लिख दूंगा स्टूडेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन टू। और देखिए यहां भी एक्स को मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन टू माइनस एक्स, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा स्टूडेंट वाई प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन टू। तो एक टू और एक टू कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा टू एक्स जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट हम लोगों को ये पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर है, ये भी हम लोगों को पता है। तो ये जो नीचे की तरफ वाई स्क्वायर लिखा है इसको मैं लिख देता हूं स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, नाउ दिस इज टू एक्स जेड टू जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड, तो टू जेड कॉमन लिया तो वाई प्लस जेड, तो ये अल्टीमेटली स्टूडेंट एक्स अपॉन वाई प्लस जेड मिला और यही हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया भी गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर बचे हुए आप दोनों ऑप्शंस को चेक करेंगे तो वह कहीं से भी आपको सही नहीं मिलेंगे स्टूडेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ में स्टूडेंट हम लोगों को दो लाइंस L1 और L2 दी गई है और एक तीसरी लाइन LB दी गई है। ये कहा गया है कि L1 और L2 जो है L जो लाइन है वो उसी प्लेन में है जिसमें L1 और L2 है, और वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन है और उसको उसके बीच के एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो इन वन वर्ड वी कैन से दैट L इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2। ओके, नाउ हम लोगों को कई ऑप्शंस रखे जो हम लोगों को चेक करना है। अब देखिए स्टूडेंट पहली स्ट्रेट लाइन भी 1, 0, 1 से पास होती है और दूसरी स्ट्रेट लाइन भी 1, 0, 1 से पास होती है। तो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, 0, 1 है। L अगर उनके एंगल बाइसेक्टर है तो L को भी 1, 0, 1 से पास होना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को 1, 0, 1 से सेटिस्फाई करा देता हूं। सो वी कैन से 1 माइनस अल्फा अपॉन L इक्वल टू माइनस 1 अपॉन M एंड 1 माइनस गामा अपॉन माइनस 2, ठीक है। एक रिलेशन तो स्टूडेंट हम लोगों को यहां पर मिल ही जाता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, तो पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मैं बोल सकता हूं आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 kʹ, और दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मैं बोल सकता हूं माइनस 3i कैप माइनस जे कैप प्लस kʹ, ठीक है। तो अब अगर ये पूछूं कि जो इनका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, तो वो स्टूडेंट मैं बोल सकता हूं वेक्टर d1 प्लस वेक्टर d2, उस डायरेक्शन में एक वेक्टर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस 2i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस 4 kʹ। ये स्टूडेंट हमारे पास में डायरेक्शन वेक्टर है किसका, L1 और L2 के एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो वेक्टर है, ये तो पैरेलल टू L लाइन हो गया। तो L लाइन का डायरेक्टर वेक्टर था स्टूडेंट Li कैप प्लस MJ कैप माइनस 2 kʹ। तो ये वेक्टर और वो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा कंपोनेंट्स का। सो वी कैन से दैट L अपॉन माइनस टू इक्वल टू M अपॉन माइनस टू इक्वल टू -2/4। तो यहां से स्टूडेंट हम लोगों को पता लगता है कि L की वैल्यू भी 1 है और M की वैल्यू भी 1 है। L और M दोनों हमको 1 मिल जाते हैं, तो एक रिलेशन तो L प्लस M इक्वल टू 2 ये सही हो जाता है, और फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब देखिए सर, L और M दोनों की वैल्यू 1 आई है, तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या बोल सकता हूं, उसमें L और M की वैल्यू को रख देता हूं, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस 1
इक्वल टू वन माइनस गामा अपॉन माइनस टू। तो यहां से देखिए स्टूडेंट अल्फा आ जाता है टू, और अगर मैं इन दोनों को चेक करूं तो टू इक्वल टू वन माइनस गामा, तो गामा आ जाता है माइनस वन। तो हमें इन सब की वैल्यू पता लग गई। तो अब देखिए अल्फा माइनस गामा यानी पहले ऑप्शन की बात करूं तो टू माइनस और माइनस वन यानी थ्री, तो ए ऑप्शन भी सही है तो और सी ऑप्शन गलत है। तो आंसर नंबर ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, यहाँ स्टूडेंट देखिए कुछ इंटीग्रल्स को किसी कांस्टेंट नंबर के साथ में कंपेयर किया गया है, तो हम ये कैसे करेंगे इसको सिंपल सा आपको समझना है। स्टूडेंट कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटिव, ठीक है। तो कॉस एक्स निश्चित रूप से स्टूडेंट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू या फैक्टोरियल टू से बड़ा होता है, क्योंकि यहां से यहां तक के आगे के नंबर सारे पॉजिटिव आने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि अगर कोई दो एलिमेंट में हम कंपेयर करें, जैसे एफ एक्स अगर जी एक्स से बड़ा है तो एफ एक्स का इंटीग्रल भी जी एक्स के इंटीग्रल से बड़ा होता है। तो अगर मैं स्टूडेंट यहां पर दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और एक्स को मैं जीरो से वन के बीच में मान के चल रहा हूं, पूरी क्वेश्चन में एक्स जीरो से वन है इसलिए मैं एक्स को जीरो से वन मान के चल रहा हूं, तो एक्स इज पॉजिटिव, दोनों तरफ मैंने स्टूडेंट एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो चूंकि ये फंक्शन इस फंक्शन से बड़ा है इसलिए इसका इंटीग्रल इसके इंटीग्रल से भी स्टूडेंट बड़ा होगा। तो x cos x dx को अगर मैं 0 से 1 इंटीग्रेट करूंगा तो वो x माइनस एक्स क्यूब बाई टू इसके इंटीग्रल से बड़ा होगा। तो ये हो गया स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को मैं i लिख देता हूं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू और ये x की पावर 4 अपॉन ये 8 0 टू 1, तो ये आएगा 1 बाई टू माइनस 1 बाई 8, तो ये आ जाएगा 3 बाई 8। तो i जो है स्टूडेंट वो 3 बाई 8 से हमारे पास में बड़ा होगा। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ स्टूडेंट कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे ए हमको पता लग चुका है कि वो सही है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग आगे के ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, तो स्टूडेंट साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन, तो इसका मतलब जो है साइन एक्स भी एक्स माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन सिक्स से बड़ा है क्योंकि इधर का पूरा नंबर पॉजिटिव है। बिल्कुल वही हमने दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर और इधर एक्स की पावर फोर आ गया। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फाइव अपॉन थर्टी जीरो टू वन, तो ये आ गया वन बाई थ्री माइनस वन बाई थर्टी। तो ये आ गया स्टूडेंट हम लोगों के पास में नाइन अपॉन थर्टी, ठीक है, ये हम लोगों के पास में आया नाइन अपॉन थर्टी या टेन माइनस वन बाई थ्री। हाँ, तो अब स्टूडेंट अगर हमारे पास में देखिए एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फाइव अपॉन थर्टी, ठीक है, तो अब अगर स्टूडेंट हमारे पास में ये नाइन अपॉन थर्टी से बड़ा है तो इसका मतलब आई जो है वो हमारे पास में थ्री बाई टेन से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप स्टूडेंट चेक कर सकते हैं बचे हुए ऑप्शंस को भी, तो आप बचे हुए ऑप्शंस को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी भी आपको सही मिलेगा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी आपको गलत मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्टींथ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टींथ में स्टूडेंट हम लोगों को ये बता रखा है कि y1, y2, y3 आर रियल नंबर्स फॉर विच y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 9। तो हमें इस एक्सप्रेशन की स्टूडेंट हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले y1, y2, y3 जो है स्टूडेंट्स उस पर हम लोग am और gm का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y1 इनटू y2 इनटू, या हम लोग एक काम इसमें यह भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसकी बजाय 3 की पावर y1, 3 की पावर y2 और 3 की पावर y3, दीज थ्री नंबर्स आर पॉजिटिव, सो एम जी एम के कॉन्सेप्ट से बोल सकते हैं कि इन तीनों का अर्थमेटिक मीन इन तीनों के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, ठीक है।
तो 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हो गया सॉन 3 की पावर y1 प्लस y2 प्लस y3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 को मैं 9 लिखूंगा, 9 अपॉन 3 इज 3, सो दिस इज 3 स्क्वायर, दैट इज 27। तो इसका मतलब स्टूडेंट, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोगों के पास में 27 है। इसलिए अगर मेरे से स्मॉल m की मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, तो यहां पर स्टूडेंट इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, तभी लॉग के अंदर इसको रखने पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई लॉग 27 बेस 3, दैट इज 3। तो स्मॉल m की वैल्यू हम लोगों को 3 मिल चुकी है। अब इसी तरह से स्टूडेंट हम लोगों को x1 x2 x3 में कुछ रिलेशन दिया है, और इस एक्सप्रेशन की हम लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कही है। अब यहां देखिए, फिर से मैंने AMGM का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 पावर 1/3, सो दिस इज 9 अपॉन 3 इज 3, और मैंने दोनों तरफ क्यूब किया तो 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3। यानी इनडायरेक्टली x1 इंटू x2 इंटू x3 की मैक्सिमम वैल्यू 27 है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अब अगर ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूँ, तो देखिए log m प्लस log n तो log mn होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x1 x2 x3 बेस 3, और हमें इसके स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो x1 x2 x3 को मैक्सिमम 27 रखेंगे, तो 27 बेस 3 इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास में 3। तो ये हमारे पास में वैल्यू किसकी आई स्टूडेंट, ये हमारे पास में वैल्यू आई कैपिटल m की। तो कैपिटल m और स्मॉल m दोनों हमारे पास 3 आ चुके। अब हम डायरेक्टली यहां रखेंगे, तो ये हो गया स्टूडेंट 3 का क्यूब। यहां पर एक मिनट, यहां पर हम लोगों को y1 प्लस y2 प्लस y3, यहां स्टूडेंट हम लोगों के पास में ये वैल्यू जो है y1 प्लस y2 प्लस y3 को हम जब 9 रखेंगे तो 9/3 आएगा 3, तो 3 की पावर 3 इंटू 3, तो ये हमारे पास में यहां पर 2 नहीं है बल्कि 3 की पावर हमारे पास में है 3। तो ये हमारे पास में एक तरह से ये हमारे पास में 27 ना होके 81 है, तो इसलिए यहां भी 81 आएगा, तो ये हमारे पास में 4 आने वाला है। तो स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास 4 है और कैपिटल m की वैल्यू 3 है। अब इस एक्सप्रेशन में आप डायरेक्टली m और कैपिटल m को रख दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 4 का क्यूब, यानी कि हमारे पास में 64 जो कि 2 की पावर 6 है, तो ये हमारे पास में 6 में कन्वर्ट होगा। और जब m को यहाँ 3 रखूंगा तो 9, तो log 9 बेस 3 2, सो एक्सप्रेशन इज 8। तो हमारा आंसर जो है स्टूडेंट वो 8 होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को A1, A2, A3 इस तरह से एक अर्थमेटिक सीरीज है ये कहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, और B1, B2, B3 ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स की ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो 2 है। A1 और B1 इक्वल है और ये दोनों C के इक्वल हैं, और साथ में A1 और B1 वाली सीरीज में ये रिलेशन दे रखा है। तो C की कितनी वैल्यूज हो सकती है ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर मैं इस रिलेशन को यूज करूँ, इसमें A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN, यानी N टर्म्स का सम दे रखा है अर्थमेटिक सीरीज में, तो इसको मैं जोड़ूंगा तो 2 इंटू यह आएगा स्टूडेंट हमारे पास में 2 इंटू N बाई 2 इंटू 2A, तो A मतलब A1, उसको मैं C लिख देता हूँ, तो 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज 2। और अगर मैं इस सीरीज को जोड़ू स्टूडेंट ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका कॉमन रेशियो 2 है, तो A की जगह B1, B1 की जगह C इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1, तो नीचे 2 माइनस 1 आएगा विच इज 1। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट एक रिलेशन मिला हमें, देखिए ये हो गया हमारे पास में 2NC प्लस 2N इंटू N माइनस 1 इक्वल टू C इंटू 2 की पावर N माइनस 1, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट हम लोगों को C पता करना है, तो C की टर्म्स को अगर मैं इकट्ठा करूं तो C हमारे पास में लिखा जा सकता है 2 की पावर N माइनस 1 माइनस 2N इक्वल टू 2N इंटू N माइनस 1, तो C इक्वल्स टू 2N इंटू N माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर N माइनस 1 माइनस 2N।
ये हमको यहाँ पर एक रिलेशन मिला स्टूडेंट सी का। अब देखिए एन भी एक इंटीजर है और सी भी हम लोगों को इंटीजर ही लेकर के हमको पता करना है कि सी भी एक इंटीजर ही हो, क्योंकि बी वन इंटीजर है तो सी भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन अब ये हो जाता है स्टूडेंट कि एन की कितनी इंटीजर वैल्यूज पर सी की हम लोगों को एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मिलती है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट हम लोगों को यहाँ पर एन की अलग अलग वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा कि सी की एन की कौन सी वैल्यू पर हमें सी इंटीजर मिलता है। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना होगा जिससे हमें यह पता लग जाए कि एन की कहां तक वैल्यू हमें रखनी है। तो ये हम कह सकते हैं ना स्टूडेंट कि सी जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्वांटिटी वन या वन से बड़ी होगी। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट अगर ये क्वांटिटी वन या वन से बड़ी है तो टू एन स्क्वायर माइनस टू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू की पावर एन माइनस वन माइनस टू एन। ये माइनस टू एन, ये माइनस टू एन हमारा कैंसिल हो जाता है। तो यहां से स्टूडेंट आता है टू की पावर एन इज लेस देन इक्वल टू टू एन स्क्वायर प्लस वन। अगर मैं यहां पर देखूं स्टूडेंट कि कौन कौन सी एन की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, देखिए वन रखेंगे तो वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, टू थ्री ये सब सेटिस्फाई करता जाएगा, सिक्स अगर हम रखते हैं स्टूडेंट तो सिक्स भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन देखिए जैसे ही मैं सेवन रखूंगा यहां पर स्टूडेंट तो सेवन जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और सेवन के आगे के भी कोई नंबर अब इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट मैं एन को केवल वन से सिक्स तक ले सकता हूं, उससे बड़ा लूंगा तो वैसे ही ये बात गलत हो जाएगी, ये हमें पता लग गया। अब हम यहां पर एन की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, वन रखेंगे, टू रखेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स रखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यूज पर एन की कौन कौन सी वैल्यू पर सी इंटीजर आ रहा है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता लगेगा स्टूडेंट कि केवल एन को थ्री जब आप रखेंगे तो हम लोगों को सी की एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, उसके अलावा हमें कभी भी सी की इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो एन की केवल एक ही वैल्यू पर सी इंटीजर होगा, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट वन। यहां पे पूछा है कि कितनी वैल्यूज है सी की जिस पर हमारे पास में ये इंटीजर है, तो एक ही वैल्यू है जिस पर ऐसा होने वाला है, तो हम आंसर देंगे वन। क्वेश्चन नंबर 15th को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15th में देखिए स्टूडेंट ये जो पूरी बात दी गई है, आप ध्यान से सोचेंगे तो इस बात का मतलब केवल इतना सा है कि हमें यह पता करना है कि ये जो फंक्शन है वो जीरो से लेकर के और टू तक के इंटरवल में कहां कहां पर पॉजिटिव है। अल्फा बीटा जीरो से टू है और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पता करना है। तो जीरो से टू के इंटरवल में ये फंक्शन कहां कहां पे पॉजिटिव है ये हम लोगों को पता करना है, और उस इंटरवल का नाम अल्फा टू बीटा दे रखा है, बीटा माइनस अल्फा हमें निकालना है। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई रखने के लिए स्टूडेंट मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि पाई एक्स ये जो नंबर दिख रहा है इसको मैं कुछ सपोज कर लूंगा, लेट अस से मैं इसको थीटा मान लेता हूं, ठीक है। तो थीटा जो है स्टूडेंट वो कहां से कहां तक जाएगा, एक्स अगर जीरो से टू तक जा सकता है तो थीटा स्टूडेंट हमारे पास में जीरो से लेकर और टू पाई तक मूव कर सकता है, जीरो से टू पाई मूव कर सकता है। तो ये देखिए स्टूडेंट बन जाएगा हमारे पास एफ थीटा इक्वल्स टू थ्री माइनस साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा माइनस पाई बाय फोर माइनस साइन थ्री थीटा प्लस पाई बाई फोर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास में थ्री माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको ओपन करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाय फोर माइनस कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाय फोर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास में साइन थ्री थीटा इंटू कॉस पाई बाय फोर प्लस कॉस थ्री थीटा इंटू साइन पाई बाय फोर। देखिए वन बाई रूट टू जो है वो तो स्टूडेंट थ्रू आउट हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो वन बाई रूट टू को तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहां पे बचेगा हमारे पास में थ्री माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा देखिए हमारे पास में थ्री माइनस टू थ्री माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, यहां मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट कि साइन थ्री थीटा को साइन थ्री थीटा के फॉर्मूले से लिख देंगे थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, और ऐसे कॉस थ्री थीटा को लिख देते हैं फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस
3 cos थीटा। तो देखिए ये बन जाएगा हमारे पास में 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। ठीक है, इस तरह से ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/√2। देखिए हमारे पास में स्टूडेंट ये जो 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का पैटर्न है, तो उसमें भी अगर हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, और इन दोनों में भी मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब से फैक्टर करूंगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा। तो थ्रू आउट हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें कॉमन मिलेगा। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, 1/√2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो फैक्टर मैं कॉमन ले लूंगा। इसके बाद देखिए क्या बचेगा स्टूडेंट हमारे पास में, ये बचेगा 3-2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि सब जगह एंगल थीटा आ चुका है तो मैं साइन को स्मॉल एस और कॉस थीटा को सी लिख रहा हूं स्टूडेंट। माइनस देखिए ये इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में स्टूडेंट था प्लस 3 कॉस थीटा, ये बार माइनस के साथ प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, तो हमने इसमें से साइन माइनस कॉस कॉमन लिया तो यहां पर बच गया हमारे पास में माइनस 3। तो माइनस 3 साइन और प्लस 3 कॉस। फिर इन दोनों की बात करें स्टूडेंट तो ये दोनों और विद नेगेटिव साइन, ये था हमारे पास में 4 साइन क्यूब थीटा माइनस में 4 कॉस क्यूब थीटा। तो इसमें हमारे पास 4 साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब के फैक्टर करेंगे तो साइन माइनस कॉस वो बाहर जा चुका है कॉमन, इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज 1 प्लस साइन इंटू कॉस, ये पूरा हमारे पास एक्सप्रेशन आने वाला है। अब देखिए ये हो गया स्टूडेंट 1/√2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास में स्टूडेंट देखिए 3-3 इज कैंसिल 4 माइनस 2 साइन कॉस प्लस 4 साइन कॉस, तो प्लस 2 साइन कॉस विच इज 1/√2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4 प्लस साइन 2 थीटा। अब स्टूडेंट देखिए ये एक्सप्रेशन निश्चित रूप से हमारे पास में पॉजिटिव है क्योंकि 4 यहां पर लिखा हुआ है। हमें पता करना था कि एफ थीटा कहां कहां पे पॉजिटिव है, यही तो हमारा क्वेश्चन था। तो एफ थीटा तभी पॉजिटिव होगा स्टूडेंट जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारे पास पॉजिटिव होगा, यानी हमें, और ये कहां पर चेक करना है, 0 से 2π में। तो आप लोग ये बात जानते होंगे स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन को तो कई बार कर चुके होंगे, ये अगर π/4 लू और ये अगर 5π/4 है तो यहां से यहां तक साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा होता है और इधर वाले एरिया में साइन थीटा कॉस थीटा से छोटा होता है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट थीटा बिलोंग्स टू π/4 टू 5π/4, ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब ये तो थीटा आया, थीटा मैंने किसको माना था, पाई एक्स को, तो एक्स बिलोंग्स टू आया स्टूडेंट 1/4 टू 5/4। तो अल्फा हो गया 1/4 और बीटा हो गया 5/4। हमसे क्वेश्चन में पूछा बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा स्टूडेंट हो गया 5/4 माइनस 1/4 यानी कि 1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए स्टूडेंट एक वेक्टर हम लोगों को दे रखा है कि एक ट्रायंगल है PQR, इस ट्रायंगल में QR वेक्टर जो है वो A वेक्टर है, RP वेक्टर जो है वो B वेक्टर है, और ये तीसरा वेक्टर हमारे पास C वेक्टर है। A और B का मॉडुलस इधर का, यानी ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 4 है, ये भी हम लोगों को दी गई है, और एक रिलेशन और हमें दिया गया है, उसको हमें सॉल्व करना है। अब यहां देखिए स्टूडेंट सबसे पहली बात मैं लिख सकता हूं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये मैं बोल सकता हूं, जो रिलेशन हमें दिया है उसको यूज करते हैं। ए वेक्टर डॉट सी माइनस बी, तो मैं सी को तो लिख देता हूं स्टूडेंट माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई सी, यहां पर जो सी लिखा है उसको भी लिख देते हैं माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी, मॉडुलस ए इज 3 एंड दिस इज 4 सो दिस इज 3/7। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ये अगर मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करूं तो 7 माइनस
ए डॉट ए यानी मॉड्यूलस ए स्क्वायर विच इज 9, फिर माइनस में 2 बी डॉट ए, तो 2 ए डॉट बी, ठीक है, इक्वल्स टू 3 टाइम्स, यहां पर स्टूडेंट माइनस में कॉमन ले लूं तो माइनस 3, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी मॉड्यूलस ए स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस बी स्क्वायर, इस तरह का एक रिलेशन हमें मिल रहा है। तो यहां से स्टूडेंट मिल रहा है माइनस में 14 ए डॉट बी इक्वल टू प्लस 21 प्लस 63, दैट इज 4 एंड 8। तो यहां से स्टूडेंट ए डॉट बी हमें मिल गया माइनस में 6, ठीक है, ये हमें ए डॉट बी की वैल्यू मिली। अब स्टूडेंट हम लोगों से जो क्वेश्चन में पूछा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के मॉडुलस को स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करूं। नाउ दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को स्टूडेंट ए डॉट बी का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास में 9 इंटू 16 और ए डॉट बी माइनस 6 उसका स्क्वायर है 36, सो दिस इज 144 माइनस में 36, तो ये हो गया 108, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट एक अच्छा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को ये बोल रखा है कि एस इस तरह के सभी फंक्शन से बनने वाला एक सेट है, और हम लोगों को ये पता करना है स्टूडेंट कि अगर हम लोग एफ रियल गुड एम जी जो है दिस डिनोट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ जी एक्स, तो इसका मतलब अगर हम लोगों को यहां पर स्टूडेंट एम ऑफ एफ डैश की बात है तो इसका मतलब एफ डैश जो फंक्शन होगा उसके कितने मिनिमम रूट हो सकते हैं, और एफ डबल डैश एम एफ डैश का मतलब एफ डबल डैश के कितने रूट हो सकते हैं, तो हमें एम एफ डैश प्लस एम एफ डबल डैश के मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, यानी एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स के मिला करके कितने मिनिमम रूट हो सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो स्टूडेंट आपको एक बात नजर आ रही होगी कि जो अगर मैं इस पैटर्न का कोई सा भी फंक्शन लूंगा, तो देखिए इस पैटर्न में स्टूडेंट हम लोगों को यह नजर आ रहा है कि इसके फैक्टर होंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी कि वन और माइनस वन जो है वो एफ एक्स के रिपीटेड रूट है। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि एफ एक्स का अगर कोई भी रिपीटेड रूट होता है तो वो एफ डैश एक्स का भी रूट होता है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट 1 होगा ही होगा, ये हमें पता लग चुका है, एक रूट माइनस 1 होगा ये भी हमें पता लग चुका है। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए एफ एक्स जो फंक्शन है दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड ऑलवेज डिफरेंशियबल, और एफ ऑफ 1 भी 0 है और एफ ऑफ माइनस 1 भी 0 है। तो अगर मैं फंक्शन एफ एक्स पर रोल्स थ्योरम लगाऊं इन माइनस 1 टू 1 इंटरवल तो वो तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा, तो माइनस 1 से 1 के बीच में एफ एक्स का डेरिवेटिव कम से कम एक जगह 0 जरूर होगा, एफ डैश सी की वैल्यू जरूर से 0 होगी, सी माइनस 1 और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस फंक्शन का एफ डैश एक्स का एक रूट 1 है एक माइनस 1 है और एक तीसरा रूट जरूर होगा सी जो कि माइनस 1 और 1 के बीच में होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट एफ डैश एक्स के मिनिमम 3 रूट्स तो होंगे ही होंगे। अब देखिए स्टूडेंट जैसे मैं एफ डैश एक्स भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो अगर मैं एफ डैश एक्स फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करूं, अगर एक बार 1 माइनस 1 से 1 के इंटरवल में अप्लाई करूं, क्योंकि माइनस 1 और 1 पर इसकी एफ डैश एक्स की वैल्यू इक्वल है, तो माइनस 1 से 1 के बीच में एफ डैश एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो कम से कम एक जगह 0 होगा, यानी एफ डबल डैश एक्स 1 और माइनस 1 के बीच में कम से कम एक जगह 0 जरूर होगा, डी उसको कह देता हूं मैं डी, ठीक है। अच्छा डी को अगर हम हटाएं यहां से, हम लोग इसको इस तरह से सोचें कि देखिए ये इस तरह से कुछ बात है स्टूडेंट हम लोगों के पास में कि ये माइनस 1 है ये 1 है और सी इनके बीच में है, सी इनके बीच में है,
तो अगर मैं एफ डैश एक्स पर माइनस वन से सी के इंटरवल में रोल्स थ्योरम लगाऊं, क्योंकि माइनस वन पर भी जीरो है, सी पर भी जीरो है, तो माइनस वन से सी के बीच में एफ डैश एक्स का मिनिमम एक रूट होगा एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव का, यानी एफ डबल डैश एक्स का। और ऐसी सी से वन के बीच में भी एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव यानी एफ डबल डैश एक्स का एक और रूट होगा। तो एफ डबल डैश एक्स के कम से कम दो रूट होंगे स्टूडेंट, जिसमें से एक माइनस वन और सी के बीच में होगा, एक सी और वन के बीच में होगा। तो हमें पता लगा कि एफ डैश एक्स के मिनिमम तीन रूट है और एफ डबल डैश एक्स के मिनिमम दो रूट है, तो इन दोनों के मिला के कम से कम पांच रूट होंगे। तो हम क्वेश्चन का आंसर देंगे स्टूडेंट पांच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में स्टूडेंट हम लोगों को कहा है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ये हम लोगों को जज करनी है, ये हमको पता करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो पॉजिटिव, ये जो 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई एक्स लिखा है, इसको स्टूडेंट मैं इस तरह से लिख देता हूं, ई की पावर लॉग 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर है, ये हम लिख सकते हैं इसको। दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड जीरो पॉजिटिव, ये 1 बाई एक्स यहां आएगा तो ये बन जाएगा ई की पावर लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर ए। दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो पॉजिटिव। अब स्टूडेंट मैं न्यूमरेटर में से e की पावर माइनस 1 को कॉमन ले रहा हूं, तो देखिए यहां बनेगा e की पावर 1 प्लस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स और यहां बनेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर a। तो ये 1 अपॉन e तो हमारा निकल जाएगा बाहर की तरफ, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो पॉजिटिव। अब इस देखिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक फॉर्मूला हम लोगों ने एक तरह से पढ़ा हुआ है कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, x अगर जीरो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहां देखिए स्टूडेंट अगर मैं x को जीरो लूंगा तो ये जो हमारा पास में ये जो e पर पूरी पावर बनी हुई है, e पर इस तरह से जो हमारे पास में पूरी पावर बनी हुई है, अगर मैं x को जीरो की तरफ लेकर के जाता हूं तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, एक बार एक स्टेप लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। 1 अपॉन ई को हमने बाहर निकाल दिया, उसके बाद स्टूडेंट देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, ई की पावर 1 प्लस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स से मैंने डिवाइड किया और लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स से ही हमने सॉरी लॉग 1 माइनस एक्स इस तरह से है उससे मल्टीप्लाई किया और ये एक्स की पावर ए भी हमारे पास बना हुआ है। अब देखिए ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है स्टूडेंट, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, अगर हम देखें यहां पर x जीरो की तरफ जाना चाहिए, तो x अगर जीरो पॉजिटिव की तरफ जाएगा स्टूडेंट तो ये जो नंबर है हमारे पास में, ये हमारे पास में log 1 माइनस x अपॉन x, अगर आप इसकी इंडिविजुअली लिमिट निकालेंगे तो ये माइनस 1 अप्रोच करेगा, इतना पोर्शन माइनस 1 अप्रोच करेगा अगर आप चेक करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, तो e पर जो पावर है वो जीरो है और वही पैटर्न नीचे है, तो ये पूरा जो पैटर्न है ये हमारे पास 1 के बराबर होगा। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन ई लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो पॉजिटिव और ऊपर हमारे पास में अब लॉग 1 माइनस एक्स है, उसे अगर मैं स्टूडेंट लॉग के फॉर्मूले से एक्सपेंड करूंगा तो माइनस में एक्स, माइनस में हमारे पास में आने वाला है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, और नीचे हमारे पास हो गया स्टूडेंट एक्स की पावर ए प्लस 1, इस तरह का हमारे पास में एक पैटर्न यहां पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहां एक स्टूडेंट हम लोगों को एक बार एक कैलकुलेशन को हम देख लेते हैं, ई की पावर लॉग 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स यहां आ गया माइनस ई टू दी पावर दिस, ई की पावर माइनस 1 हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इस पूरी, हाँ यहां पर देखिए स्टूडेंट हम लोगों को एक 1 प्लस चाहिए था तो ये 1 प्लस से हमने डिवाइड किया और यहां भी हम लोगों को 1 इसके साथ में चाहिए तो ये 1 प्लस हमने कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास में स्टूडेंट पूरा 1 हुआ, तो ये हमारे पास में बन रहा है 1 प्लस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो यहां मैं एक्स एलसीएम लूंगा तो यहां एक एक्स्ट्रा एक्स आएगा, तो ये एक्स और ये एक्स आपस में कैंसिल होगा। अब देखिए स्टूडेंट ये लिमिट तभी तो एग्जिस्ट करेगी जब ऊपर की मिनिमम एक्स की पावर और नीचे एक एक्स की पावर बराबर हो, तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ऊपर की तरफ एक्स की मिनिमम पावर है 2, ऊपर की तरफ एक्स की मिनिमम पावर है 2,
तो ये लिमिट स्टूडेंट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ए प्लस वन टू के बराबर होगा, यानी ए वन के बराबर होगा, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा वन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब इस सॉल्यूशन को यहीं पर हम ओवर करते हैं। थैंक यू।